बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज्यादा कीमत की सरकारी जमीन पर कब्जों का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नभय सिंह राठी ने इस बेशकीमती सरकारी जमीन को कब्जाधारियों से बचाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। नभय सिंह राठी ने इस मामले में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साथ जमीन बेचने और खरीदने वाले 2 दर्जन लोगों को पार्टी बनाया है, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि बहादुरगढ़ की सरकारी जमीन पर कब्जों का यह मामला हरियाणा विधानसभा में भी गूंज चुका है। इनेलो नेता अभय चौटाला और कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी भी पिछले विधानसभा सत्र में ये मामला उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की नाक के नीचे अब भी जमीन पर निर्माण कार्य ज्यों की त्यों चल रहे हैं। लगभग 4.5 महीने से ये मैटर चल रहा है कि बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज्यादा की सरकारी संपत्ति पर कब्जे करवाए जा रहे हैं, और बहादुरगढ़ के हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर के प्रदर्शन भी किया था, और माननीय हरियाणा विधानसभा में भी ये मामला उठा था। अपोजिशन के नेता माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी और CLP लीडर किरण चौधरी ने भी मैटर उठाया था 13 और 14 मार्च को, और अभय सिंह जी ने तो दोनों दिन उठाया ही, और ये स्पष्ट तौर पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच कराएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 1.5 महीना 1.5 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अब तक सरकार की जांच की रफ्तार बड़ी धीमी है, और इस 1.5 महीने के अंदर अंदर दुकान बन करके तैयार करवा दी गई, जबकि 19 जनवरी को इसके नक्शे जो पास कर दिए थे सरकारी अधिकारियों ने किसी दबाव में, उन नक्शों को रद्द कर दिया था 19 जनवरी को। नक्शे रद्द होने के बावजूद भी तामीर जारी रही तो उसको अवैध निर्माण ही तो माना जाएगा, इसलिए सरकार को चाहिए कि उस जाँच को पूरा करें। और हम इस बात को लेकर के माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गए थे, और माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 4 तारीख को ही हमारे को सर्टिफाइड कॉपी दी है, अभी 2 दिन पहले 4 मई को आज हमने प्रेस के माध्यम से वो बात उठाई है।